राम राम किसान भाइयों, विकास शर्मा का भारत के सभी किसान भाइयों को राम राम। मेरे किसान भाइयों, आप देख रहे हो फार्मिंग हिंदी एडवाइस चैनल, और इस चैनल के माध्यम से आज हम बात करने वाले हैं प्याज के सीड्स के बारे में। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि भारत का सबसे महंगा प्याज का सीड्स किस भाव से मिलता है और वह कौन सी कंपनी का है। मेरे किसान भाइयों, प्याज का जो रेड कलर का जो प्याज आता है उसकी जो प्राइस चलती है 2500 रुपये किलो से पीस की प्राइस स्टार्ट हो जाती है प्याज की, प्याज के सीड्स की। और ये जाके रुकती है 20 से 25 हज़ार रुपये, 26 हज़ार रुपये किलो तक। अब आप लोगों को ये विश्वास नहीं होगा कि गुरुजी क्या 25-26 हज़ार रुपये किलो का बीज भी आता है। मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि मेरे किसान भाइयों, ये दुनिया है, अलग अलग वेरियंट आए हैं सीड्स के, अलग अलग वेराइटी आई है। ये जरूर है कि जितनी अच्छी क्वालिटी प्याज के बीज की रहेगी उतना ही आपको, आप लोगों को भी फायदा रहेगा। क्यों? क्योंकि प्याज की उपज भी बढ़ेगी, प्याज की क्वालिटी भी सेट होगी, प्याज का कलर भी सही रहना चाहिए, और स्टोरेज जो प्याज की क्षमता रहती है, स्टोरेज क्षमता वो भी ज़्यादा रहनी चाहिए। तो आप अच्छी क्वालिटी का अगर प्याज का बीज लगाओगे तो आपको फायदा रहेगा। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि महंगे बीज की कंपनी कौन सी है, सबसे महंगा बीज प्याज का, तो यह है ननहम्स कंपनी। जैसा कि आप मेरे हाथ के अंदर पैकेट देख रहे हो, यह पैकेट मात्र 71 ग्राम का है। और कंपनी ये जो सीड्स है मातेरी नाम से आएगा, ये मातेरी नाम से है, ननहम्स कंपनी है इसकी, और मातेरी नाम से ये प्याज आता है। अब ये 71 ग्राम का ये पैकेट है और इसके अंदर 20,000 सीड्स आते हैं गिनती के। एक दो सीड्स ज़्यादा आ जाए तो अलग बात है, परंतु गिनती के बीज आते हैं इसके अंदर 20,000 सीड्स, जैसा कि आप पैकेट के अंदर देख रहे हो। और MRP की बात करते हैं तो 1850 रुपये इसकी MRP है। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे आप तो ये 71 ग्राम का एक पैकेट है, तो ये और 1850 रुपये का ये पैकेट एक है, तो इसके रेट हो जाएगी 25 से 26 हज़ार के आसपास। तो इतना महंगा सीड्स तो भारत के अंदर बहुत से किसान भाई है जो मेरे को ये स्पेशल तौर पे उन्होंने कहा है कि गुरुदेव, इतना महंगा बीज खरीदने की हमारे पास क्षमता नहीं है। क्योंकि कई किसान भाई 15 किलो लगाते हैं, 20 किलो लगाते हैं, 30 किलो लगाते हैं, 50 किलो प्याज के सीड्स की नर्सरी करते हैं, तो इतना महंगा किसान की बस की बात नहीं है। तो इसका दूसरा एक रास्ता भी है, क्योंकि इस सीड्स को ज़्यादातर हम जैसे लोग खरीदते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं कि नर्सरी बनाते हैं, नर्सरी को फिर वो इसकी नर्सरी करते हैं, अब इसी की नर्सरी करके और अपने खेत के अंदर ट्रांसप्लांट कर देते हैं नर्सरी को, फिर इसकी प्याज की उपज लेते हैं, फिर उसी प्याज से हम इसी का सेकंड वेरिएंट तैयार कर लेते हैं, मतलब इसकी कॉपी, हूबहू कॉपी। सेकंड वेरिएंट इसलिए दे रहा हूँ कि मातेरी का नाम तो दे नहीं सकता हूँ मैं, परंतु जो बीज हम इसी बीज से बीज तैयार करेंगे वो इससे भी बेहतर बीज रहेगा, क्योंकि वो हम बीज तैयार करते हैं बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से बीज तैयार करते हैं वो, और उस बीज की क्वालिटी है बहुत शानदार क्वालिटी निकलती है मेरे किसान भाइयों। ऐसे तो मैंने अगस्त के अंदर एक साउथ वैरायटी का मैंने प्याज दिया था, अगस्त के अंदर बहुत सी किसानों को दिया था, तो उन्होंने अच्छा आमदनी भी कमाई। और अभी देख लो आप नवंबर के अंदर प्याज की रेट क्या है, बहुत अच्छी है, 35-40 रुपये किलो प्याज की रेट चल रही है अभी नवंबर 2021 के अंदर। और ये जो प्याज का जो सीड है तो आप इसको भी आप खरीद सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, खरीद लो आप, पर खरीदो तो इसका आप नर्सरी करो, नर्सरी करके इसकी प्याज की उपज लो और फिर उस प्याज से आप सीड्स बनाओ, जब तो है आपको फायदा। पर इतना महंगा बीज लगा कर आप क्या करोगे? और किसी किसान भाई को चाहिए ये सीड तो मैं भिजवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा कर्तव्य है, क्योंकि आप लोगों के मतलब आप लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हो या आप लोग मेरे मित्र भी हो, शिष्य भी हो, तो मेरा दायित्व भी बनता है आप लोगों को मैं ये सर्विस दूं आप लोगों को। तो अगर आप मंगाना चाहते हो तो ये सीड्स भी मैं आप लोगों को भिजवा सकता हूँ। दूसरी बात ये मैं ये बोल रहा हूँ कि नवंबर और दिसंबर के अंदर गर्मी वाले प्याज की नर्सरी होने लग जाएगी, नवंबर और दिसंबर के अंदर। तो अगर आपको प्याज का सीड्स का चयन करना है तो इसी प्याज का सीड्स के जो मैंने बनाया है सीड्स, वो सीड्स ले लेना, वो सस्ता पड़ जाएगा आपके।
फर्क कुछ नहीं है, ये पैकेट के अंदर है और जो मैंने जो शीट तैयार करवाया है वो बिना पैकेट का है। परंतु जो इसका मैंने हमने लोगों ने किया है कि मैंने अकेले ने बीज तैयार नहीं किया है, बहुत से इंडिया में जगह जगह किसानों को मैंने ये बीज गई साल दिया है लगाने के लिए, और उन्होंने किया है कि उन्होंने भी बीज तैयार किया है ऑर्गेनिक तरीके से। तो बहुत से ऐसे किसान भाई हैं जो बीज के ऊपर ही काम कर रहे हैं। परंतु मेरे किसान भाइयों, महंगे बीज लगाकर आप क्या करोगे? बहुत जैसे कि कोई एक दो किलो लगा रहे तो कोई बात नहीं, किसान भाई लगा सकता है। पर जैसे कोई किसान भाई ज्यादा तादाद के अंदर प्याज लगा रहा है तो इतना महंगा नहीं लगा सकता। तो उस परिस्थिति के अंदर अगर आपको बीज चाहिए ओरिजिनल बढ़िया फर्स्ट क्लास ऑर्गेनिक तरीके से बना हुआ और इसी प्याज का बीज आप लोगों को मेरे पास मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे नंबर है, आप वो प्याज लगाकर देखना, बहुत शानदार आप लोगों को उपज प्राप्त होगी। क्योंकि इस प्याज से मैंने इस ये जो सीड देख रहे हो इसी प्याज के प्याज को तैयार करके और उस प्याज से मैंने जो सीड तैयार करा है तो उसका प्रोडक्शन भी एक के जी प्याज के अंदर 3 से 5 टन प्रोडक्शन निकलेगा। अगर आप अच्छी तरह करोगे तो 3 से 5 टन 1 kg प्याज के सीड्स के अंदर। तो मैं तो आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि अच्छा प्याज का सीड लगाओ आप नवंबर और दिसंबर के अंदर, आप लोगों को बहुत अच्छा फायदा होगा। और कई किसान भाई सोच रहे हैं कि हम भी सीड्स के ऊपर काम करें, तो अच्छा ब्रांड सीड्स लो इस जैसा और उसकी नर्सरी करो आप, और नर्सरी करने के बाद में उसको जब प्याज की उपज प्राप्त हो जाएगी और उसी प्याज से आप अच्छी तरह से प्याज का बीज का प्रोडक्शन लो आप, तो प्याज के बीज की प्रोडक्शन भी आपको अच्छी इनकम मिल जाएगी। भारत के अंदर मैंने बहुत से मतलब इस कंपनी का जो प्याज से मैंने बीज बनाया है बहुत जगह मैंने भेजा है, उसका रिजल्ट बहुत शानदार निकला है। तो मैंने जानकारी दे दी है, प्याज की संपूर्ण जानकारी दी है प्याज के सीड्स के बारे में, और भारत का सबसे महंगा ये बीज है मातेरी बीज, मातेरी सीड्स। तो ऐसे ही और भी मैं सीड्स की आप लोगों को मैं जानकारी देता रहूँगा, खेती बाड़ी की, कृषि यंत्रों की, बागवानी की। और आशा करता हूँ ये देश हित के अंदर, किसान हित के अंदर मैं ये जानकारी देता हूँ आप लोगों को, और इसी जानकारी को आप आगे बढ़ाओ किसानों तक। परंतु एक बात और बताना चाहूँगा कि 2020 के अंदर ये जो बीज था मैंने 14,000 रुपये किलो में लिया था, और आज ये जो बीज लिया है मैंने 18,000 रुपये किलो में लिया है ये बीज। पर इसमें दुकानदार भी फर्जीवाड़ा करते हैं। दुकानदार क्या है, मन मर्जी भाव लेते हैं कि किसान तो बोल रहा है, किसान के समझ में नहीं आता है कि क्या करो क्या नहीं करो। पर ये जो बीज खरीदने से पहले आप 10 जगह ट्राई करो, 50 जगह ट्राई करो, आप ट्रायल करने के बाद के अंदर ही आपको लेना है, पूछताछ करो इस बीज के बारे में, जहां से सस्ता मिले वहां से खरीदो आप ये बीज। ये मेरे ज्ञान की बात बता के जा रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि ईमानदार दुकानदार भी नहीं है। कंपनियां तो किसानों के साथ बेईमानी करती है पर दुकानदार भी करता है किसानों के साथ बेईमानी। तो आप जब भी ये बीज खरीदे तो सोच समझ कर आप बीज खरीदे, और इसी का अगर इसी बीज से बीज तैयार करो आप खरीदना चाहते हो वो मेरे से ले लेना आप, शानदार प्रोडक्शन निकलेगा आपका। तो धन्यवाद मेरे किसान भाई, वीडियो बड़ा हो जाएगा और सहकार का वक्त होगा आ गया है पूजा पाठ करने का मेरा। तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बगल में जो बेल घंटी उसको भी आप जरूर दबाएं, जिससे मेरे नए नए कृषि संबंधी वीडियो आप तक आसानी से मिले। जय जवान जय किसान, वंदे मातरम।